हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नायका पे चल रही है हॉट पिंक सेल और मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिए हैं मेरे हेयर केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, जिनकी एमआरपी प्राइस है 500 के अंदर और आपको सेल में और भी कम पे मिलेगी। तो बहुत ही अफोर्डेबल सा मैंने आप लोगों के साथ वो वाला हॉल शेयर किया। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही गॉर्जियस सा ब्यूटीफुल सा लुक भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। इस वजह से इस वाले वीडियो में मैं इसका लिप शेड नहीं बताऊंगी, आपको उसके लिए इसका पूरा फुल वीडियो देखना होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, जिनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 500 के अंडर हैं। कुछ ही प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक 4 या 5 ही प्रोडक्ट्स हैं या शायद उनसे भी कम, जो कि 500 से ज्यादा के हैं। अदरवाइज जितने प्रोडक्ट्स हैं सब बहुत ही अफोर्डेबल साइड पे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं प्राइमर से। तो आज जो मेरा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है वो है ब्लू हेवन का प्राइमर, 300 रुपीज का प्राइमर है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। कम रेंज में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्राइमर मिल जा रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है 02। इसका प्राइस है जस्ट 250 रुपीज। एक बार चेक कर लूं किसका प्राइस कितना है। हाँ, तो इसका प्राइस है 260 रुपीज। बहुत ही अच्छा लाइक फाउंडेशन है और ये आपको मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है, इजीली आप इसे बिल्ड कर सकते हैं। इसे यूज करके मैंने बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी क्रिएट किए हैं, तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बिगनर हैं और आपको एक कम रेंज का अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है दैट इज नॉट अ फाउंडेशन बट ये एक सीसी क्रीम है। तो ये है लैक्मे 925 का सीसी क्रीम, इसमें मेरा शेड है हनी। तो अभी ये वाला शेड आई डोंट नो, मुझे नायका पे दिख नहीं रही है, बट अगर दिख जाएगी तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका प्राइस है 325 रुपीज। अगर आपको एवरीडे के लिए लुक्स क्रिएट करना है, आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। कई लोगों को इसकी जगह पे बीबी क्रीम्स भी अच्छे लगते हैं, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम भी मैंने खुद के लिए ट्राई नहीं की है, मैंने अपने मॉम को लाइक ले जाके दिया था और एंड वो यूज करती हैं और उन्हें वो वाला प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। तो क्योंकि उसमें जो है आपको कलर्स बहुत कम मिल जाते हैं, सीसी क्रीम्स में भी कलर्स कम मिल जाते हैं, जिसके वजह से मैं बीबी क्रीम यूज़ नहीं कर पाती हूँ पॉन्ड्स की। तो यहाँ पे मैं इसे यूज़ करती हूँ, लैक्मे सीसी क्रीम, एंड पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है सॉफ्ट बेज। अगेन ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ऐसे तो इसकी प्राइस 600 है बट आपको ऑल टाइम ये कोई भी साइट पे 300 में मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कवरेज देती है एंड बहुत ही कंफर्टेबल सा इसका फॉर्मूला है, तो आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, तो इसमें मैंने छोटा वाला लाइक कंटेनर मंगवाया था क्योंकि मुझे इसका कलर देखना था, इसकी फॉर्मूला देखनी थी, इस वजह से मैंने इसका बड़ा वाला पैक ऑर्डर नहीं किया था। तो अगर आप भी कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं और अगर उसमें छोटा साइज अवेलेबल है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप पहले स्मॉल साइज मंगवा करके देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो आपको सूट करे। कई बार मेरी रिकमेंडेड की हुई चीज़ें आपको सूट नहीं करती है, कई बार मुझे जो रिकमेंड करते हैं वो मुझे सूट नहीं करता। तो यस, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड इसका प्राइस है 299 रुपीज़। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको अफोर्डेबल रेंज में लाइक 3 फाउंडेशंस दिखा दिए हैं, एक सीसी क्रीम दिखा दिया है, तो ये सारे बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल रेंज के फाउंडेशंस हैं। आप इसे इजीली बहुत ही फ्लॉलेस सा बेस मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे एलए कलर्स का स्किन इल्यूमिनेटिंग इन्हांसर, तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरह से एक लिक्विड हाइलाइटर को अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि दी ये कौन सा हाइलाइटर है। तो इसका भी सेपरेट रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने किसी भी यूट्यूबर को इसे अभी तक रिव्यू करते नहीं देखा, ऑल दो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये आपको बहुत ही अच्छा सा फिनिश देता है। आप इसे एवरीडे में यूज़ नहीं कर सकते हैं बट
अगर आपको एक ग्लॉसी सा ड्यूई सा मेकअप चाहिए तो आप कुछ इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले मेकअप लुक में मैंने इसे भी यूज किया है एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा ड्यूई फिनिश दे रहा है। मेरी ड्राई स्किन है बट दिस इज रियली वेरी गुड प्रोडक्ट। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं और हमारे इंडियन स्किन टोन्स के लिए भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। सो यस अगेन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो है आईलाइनर्स अफोर्डेबल साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ ब्लू हेवन का वॉक फ्री आईलाइनर। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और इसका वॉन्ड भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का इसका वॉन्ड है, बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है और ये है इसका फिनिश, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। और ये 75 रुपीज़ का रिटेल करता है और बहुत ही अफोर्डेबल साइड पे है। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का इंस्टा लाइनर। तो मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया था बट बहुत लोग बोलते हैं कि इसे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बट मैं उस टाइम लाइक ब्लू हेवन के आईलाइनर्स को यूज़ करती थी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा। अफोर्डेबल साइड पे है, इसका प्राइस आई गेस 120 या 125 रुपीज़ है और अगेन बहुत ही अच्छा फिनिश देता है। दोनों के दोनों जो लाइनर्स है ये मैट फिनिश देते हैं तो आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ फाउंडेशन की शेड्स शेयर नहीं किए क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। आपको सारे शेड्स जो है मेरे कोई ना कोई वीडियो में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज़ स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शैडो। इसका प्राइस है 199 रुपीज़। बहुत ही अच्छा आई शैडो है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मेरे पास जस्ट इसका एक ही आई शैडो है एंड ट्रस्ट मी ग्लिटरी आईज के लिए बहुत अच्छा सा लुक प्रोवाइड करता है। और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, आई मीन बहुत ही ग्लॉसी सा और इसका जो ग्लिटरी आई वाला जो इफेक्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ फ्रॉम कलर बार। तो ये वाला उनका नेल रिमूवर है, मैंने इसी बार इसे ऑर्डर किया एंड ट्रस्ट मी आई एम जस्ट लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। इसमें आपको 110 ml की क्वांटिटी मिल जाती है, इसकी प्राइस है 125 रुपीज़। तो बहुत ही अफोर्डेबल साइज पे है, बहुत ही ईजिली मेरे लाइक जितने भी नेल पेंट्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है। तो मुझे बिल्कुल भी डिप एंड ट्विस्ट वाले रिमूवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनकी जगह पे इसे भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये एज कम्पेयर टू दोज रिमूवर्स ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है नेल पेंट्स को। तो मेरे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ब्लू हेवन का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। मुझे ये बहुत पसंद है, ये 125 रुपीज़ का रिटेल करता है। इसमें मेरा शेड है नेचुरल और इसमें जो है ना थोड़ा सा टिंटेड लाइक पाउडर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। इससे आपको बहुत ही अच्छा एक फुल कवरेज वाला मेकअप लुक मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा आपका बेस क्रिएट होता है। साथ ही आपको इसमें एक एप्लीकेटर भी मिल जाता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक एप्लीकेटर भी मिल जा रहा है एंड फिनिश भी इसकी बहुत अच्छी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज़ लॉरियल पेरिस का मैट मैजिक ऑल इन वन कॉम्पैक्ट पाउडर। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी प्राइस है 470 रुपीज़ और इसमें मेरा शेड है लेट मी जस्ट सी गोल्डन आइवरी। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसका जो लाइक कंटेनर है वो भी टूट गया है, कुछ इस तरह से ये टूट गया है। तो इसको आप एवरीडे के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, मैट फिनिश देता है। तो आप की अगर ऑयली स्किन है तो आप इसमें ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है। आप किसी भी मीडियम कवरेज फाउंडेशन पे अगर आप लाइक इसे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा फिनिश मिलेगा, आपको एक फुल कवरेज वाला फील आएगा। तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज़ एलए कलर्स का ब्लश पैलेट। तो इसमें आपको दो शेड्स मिल जाते हैं। तो मुझे जो एक शेड चाहिए था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो मैंने इसे मंगवाया था। तो इसमें ये वाला जो शेड है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक आप इसे वेडिंग्स में वेयर कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा लाइक शिमरी इफेक्ट मिल जाता है, वेडिंग्स के लिए परफेक्ट है। और ये जो लाइट शेड है इसे आप एवरीडे के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पाउडरी टेक्सचर है और आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। ऑल्दो इसकी प्राइस अराउंड 400 है बट आपको ये सेल पे ईजिली 250 रुपीज़ के अराउंड में मिल जाएगी। तो अगेन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिस इज़ द पैलेट। नेक्स्ट जो मेरा पैलेट है दैट इज़ नीका के का कॉन्टूर पैलेट। तो ये मेरे पास अभी लगता है 2-2.5 साल से है, बहुत ज़्यादा मैंने इसे यूज़ किया। यू कैन सी बहुत ही अच्छा लाइक फिनिश देता है, इसे आप कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आई शेडोज में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना तो इसे आप लाइक क्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा पाउडरी फिनिश है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं है कि सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो डस्ट ऑफ हो जाता है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। सो ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अफोर्डेबल साइड पर है ऑफकोर्स।
नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है दैट इज नायका की ये लैशेस जो मैंने इस बार ऑर्डर किए हैं। इसमें जो मेरा वेरिएंट है दैट इज ओटीटी ड्रामा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लाइक इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी लगी। जनरली मैं जो लैशेस यूज़ करती हूँ वो मैं लोकल ब्रांड से लाइक लोकल ब्रांड्स की यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ के मार्केट से ही परचेज करती हूँ। और इसे मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा लगता है ये वाला लैशेस। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है आपको अफोर्डेबल रेंज में लैशेस चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांडेड लैशेस की जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ये लैशेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे हैं दो कंसीलर्स। तो मेरा पहला कंसीलर है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, इसमें मेरा शेड है मीडियम बेज। मुझे इसे लाइटर शेड मंगवाना चाहिए था, थोड़ा सा डार्क हो गया, बट एनीवे मैं इसे यूज़ कर ही लूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लाइक, तो ये है मेरा कंसीलर। अगेन बहुत ही अच्छा कंसीलर है और आपको मीडियम कवरेज देता है और आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 200 रुपीज़ का है एंड बिगनर हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड इसी क्वालिटी लाइक पैकेजिंग जो है ना वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही हाई एंड सी पैकेजिंग है। तो येस आई एम जस्ट लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। माई नेक्स्ट कंसीलर इज़ फ्रॉम मेबिलीन, दिस इज़ एज रिवाइंड कंसीलर लाइक इरेजर और इसका प्राइस है 620 रुपीज़, बट मैंने इसे सेल में परचेज किया था तो ये मुझे 500 के अंडर का मिल गया था। इसमें मेरा शेड है 120 लाइट। अगेन बहुत ही अच्छा लाइक कंसीलर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एवरीडे के लिए भी और साथ ही साथ कोई भी हैवी मेकअप लुक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपको 6 ml की क्वांटिटी मिल जाती है, काफ़ी दिनों तक चलेगी। आप हमेशा ही कोशिश कीजिए कि कंसीलर्स जब भी आप परचेज करते हैं ना तो थोड़ा सा लाइक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिनिश अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका जो बेस मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस सा लगे। क्योंकि अगर आपके कंसीलर में ही कवरेज नहीं रहेगा तो आपके जितने भी डार्क पैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा दिखेंगे और उस मेकअप का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपका फेस बहुत ज़्यादा डल लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट शेयर करी हूँ, दैट इज़ स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट। तो ये जो है आपको बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएगा और नायका पे भी मिलेगा, ऑल्दो नायका पे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जो सिर्फ नायका से ही शॉप करते हैं। मैंने इसे लोकल मार्केट से ऐसे खरीदा था, बट आपको ये नायका पे 450 रुपीज़ का मिलेगा। मैंने लोकल मार्केट से 250 रुपीज़ का लिया था। ये आपको फ्लिपकार्ट पे, कप्स एंड लैशेज, purple.com सभी पे मिल जाएगा, बट अगर आप प्योरली सिर्फ एक्सक्लूसिवली नायका पे ही शॉप करते हैं तो ये उन लोगों के लिए है। तो इसमें आपको ऑरेंज करेक्टर मिल जाएगा, कंसीलर के शेड्स मिल जाएंगे, फाउंडेशंस और कंटूरिंग के शेड्स मिल जाएंगे। अगर आपकी इंडियन स्किन टोन है ना तब भी ट्रस्ट मी आपको सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो लाइटर शेड है उसे आप कंसीलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो डार्कर शेड्स है उसे आप कंटूर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई ऐसा शेड मिल जाएगा जो आपकी फाउंडेशन का काम किया करेगा। तो इसे ही यूज़ करके मैंने एक राखी का मेकअप लुक क्रिएट किया, रिसेंटली मैंने उसे अपलोड किया, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कितना फ्लॉलेस सा बेस देता है ये वाला कंसीलर पैलेट। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट में आपको 3-4 प्रोडक्ट्स का लाइक आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको इसे खरीदने के बाद आपको 3-4 प्रोडक्ट्स परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज़ मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट। ये बहुत ही फेमस आई शेडो पैलेट है, ये है वेलवेट रोज आई शेडो पैलेट। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, इससे आप ब्राइडल मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, एवरीडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी, मैट शेड्स मिल जाएंगे, मेटालिक शेड्स मिल जाएंगे, शिमरी शेड्स मिल जाएंगे। तो पर्सनली मुझे ये वाला पैलेट बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली आप लोगों के साथ मैंने एक मेकअप लुक शेयर किया था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करके पूरा फुल फेस मेकअप किया है और उसमें मैंने ये वाला पैलेट यूज़ किया है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे कलर्स मिल जाते हैं जिसे आप कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। बहुत पहले मैंने आप लोगों के साथ एक और मेकअप लुक शेयर किया था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आई शेडो पैलेट ही यूज़ किया था, उसमें भी मैंने यही वाला पैलेट यूज़ किया है, क्योंकि अगेन इसमें इतने सारे कलर्स हैं कि आप उन्हें डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेनर की तरफ, छोटा है बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर, ये आपको 199 रुपीज़ का मिलता है, ऑफर प्राइस में आपको कम में भी मिल सकता है। ये अगेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का लाइक ब्यूटी ब्लेंडर है और ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर है और आपको कम प्राइस में मिल जाता है। तो इसमें आपको 2 शेड्स मिल जाएंगे, मेरे पास ये ब्लैक वाला अवेलेबल है और आपको एक पिंक कलर भी मिल जाता है।
नेक्स्ट है मेरे पास कुछ मस्काराज। तो सबसे पहला मस्करा है दैट इज फ्रॉम एसेंस का बिग लैशेज मस्करा। बहुत ही अच्छा मस्करा है, आप इसे एवरीडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी प्राइस अराउंड 260 रुपीज है एंड इसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट फेवरेट मस्करा है दैट इज मेबलिन का मस्करा। तो इसमें आपको दो वेरियंट्स मिल जाते हैं, एक आपको मिल जाता है वाटर प्रूफ, एक आपको मिल जाता है वॉशेबल। मैंने दोनों ही ऑर्डर किया है। अगर आपको बाहर जाना है, यूज करना है, तो आप इसे यूज कीजिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। क्योंकि मुझे मेकअप लुक्स क्रिएट करने होते हैं और मुझे तुरंत ही रिमूव करना पड़ता है, इस वजह से मैंने इसका वॉशेबल मस्करा भी मंगवाया है। बहुत ही अच्छा आपको फॉल्स लैशेज वाला फिनिश देता है। इसकी प्राइस अराउंड 315 और समथिंग है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यस, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए और आपको भी बेहद पसंद आएगा। अगर आपको फॉल्सीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, फॉल्स लैशेज आपको कॉस्टली लगते हैं या फिर लगाना नहीं पसंद है या लगाना नहीं आता है, तो आप इन्हें ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा फॉल्स लैशेज वाला इफेक्ट देंगे। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे फेसेस का काजल। ऑल्दो मेरे पास मेबलिन का काजल भी है और मेबलिन और लैक्मे के बारे में कई लोग बातें करते हैं, जानते हैं, बट फेसेस का जो काजल है ना, मैंने देखा है बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। बट ट्रस्ट मी, इसका जो पिगमेंटेशन है दिस इज़ टू डाई फॉर और बहुत ही देर तक मेरे लाइक आइज़ पे लास्ट करता है, किसी की भी आइज़ पे बहुत ही अच्छे से लास्ट करता है। वाटर प्रूफ काजल है एंड इसका फिनिश भी बहुत अच्छा है एंड पिगमेंटेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पिगमेंटेशन। तो या थोड़ी सी मेरी काजल भी टूट गई है, बाहर आ गई है। बहुत ही लाइट है, सॉफ्ट है, इस वजह से आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है और बहुत देर तक लास्ट करेगी। स्मच प्रूफ है, बच प्रूफ है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस है 180 रुपीज़। तो लास्टली मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, दो और प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली। पहले मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मेरा मेटालिक आई लाइनर, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसमें मेरे पास है शेड सिल्वर, तो इसे आप एज अ ग्लिटर आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप आई लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन बहुत ही अच्छा सा आपको वॉन्ड मिलता है, कंफर्टेबल सा वॉन्ड है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्लाइड करता है। बहुत ही अच्छा सा ये प्रोडक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स नहीं है, तो इसको आप आई लाइनर की तरह बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं और एक बार में पानी से बाहर नहीं आता। इसे आप जब तक रब नहीं करेंगे ये बाहर नहीं आएगा। और बहुत सारे ग्लिटर्स, आई शेडोज़ और लाइनर्स में एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ देर के बाद उनके जो ग्लिटर्स है वो फॉल हो जाते हैं, लाइक गिर जाते हैं और बिल्कुल वो डल लगने लगता है, बट ये आपके आईज़ पे बहुत देर तक लास्ट करेगा। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे ब्रो प्रोडक्ट्स आईब्रोज के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप डेफिनेटली कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। मैं भी आईब्रोज के लिए बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल। तो ये 300 समथिंग रुपीज़ का रिटेल करता है। इसमें आपको पीछे एक स्पूली भी मिल जाता है जिसे आप इजीली अपने ब्रोज को कोम कर सकते हैं। इसमें आपको 2-3 शेड्स मिल जाते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही अच्छे से ग्लाइड करता है। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरा फेवरेट फेवरेट प्रोडक्ट है आईब्रो के लिए दैट इज मेबलिन का आईब्रो पेंसिल। तो इसका मेरे पास ऑलरेडी एक आईब्रो पेंसिल था जो मैंने अपनी मॉम को दे दिया और मैंने इसे जस्ट आते ही ऑर्डर किया, क्योंकि ये बहुत अच्छा है एवरीडे के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें मेरा शेड है डार्क ग्रे। इसका प्राइस अराउंड 200 एंड समथिंग रुपीज़ है, 205 रुपीज़ है। ये आपको ऑल टाइम सेल पे मिल जाएगा, लाइक जब भी सेल लगती है, और बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्लाइड करता है और बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप आईब्रोज को फिल करते हैं ना, तो कभी भी वो आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है। तो इस वजह से मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं आईब्रोज के लिए, क्योंकि बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है। लास्टली मैं आप लोगों के साथ लिपस्टिक्स शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही है जनरली मैं लिपस्टिक्स जो है वो purple.com से शॉप करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए रिव्यू करना होता है और अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही कम लिपस्टिक्स आपको नायका पे मिलेगी। बट यहाँ पे कुछ लिपस्टिक्स है जो मैंने नायका से ऑर्डर किया और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहला जो लिपस्टिक है दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ शुगर का इट्स अ पाउट टाइम विविड लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है ब्राउन टाउन एबी। तो ये मुझे बहुत अच्छा एवरीडे न्यूड शेड लगता है, क्रीमी टेक्सचर है इसका और इजीली बाहर नहीं आता, आपके लिप्स पे इजीली ये 4 से 5 घंटे लास्ट करता है और बहुत ही अच्छा सा क्रीमी फील देता है, कंफर्टेबल बहुत है। और इसका जो शेड है आप देख सकते हैं कि शेड बहुत अच्छा है, सारे स्किन टोन पे जाए। अभी क्योंकि हमें मास्क लगा के बाहर जाना है तो डेफिनेटली अभी मैं मैट लिपस्टिक्स यूज़ करूँगी, बट अदरवाइज ये एवरीडे के लिए, ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है। नेक्स्ट जो मेरे पास लिपस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है,
ये जस्ट 75 रुपीज़ के हैं, इनसाइड के लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। इसका फुल डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। इसमें मैंने टोटल 4 शेड्स मंगवाए थे। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं 75 रुपीज़ की लिक्विड लिपस्टिक्स है तो किस तरह से काम करेगी। 4 शेड्स थे जिनमें से एक शेड मैंने अपनी मॉम को दे दिया है। बहुत ही अच्छा सा कोकोआ लाइक चॉकलेटी ब्राउन सा शेड था। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 3 शेड्स हैं, एक मरून है, एक न्यूड पिंक है और एक लाइक न्यूड पीची ब्राउनी सा शेड है। एंड सारे के सारे शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत देर तक लिप्स पे लास्ट करते हैं। आप इसका फुल डिटेल रिव्यू ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको इनके शेड्स जानने हैं, इनका परफॉर्मेंस देखना है। पर्सनली मुझे 75 रुपीज़ में बहुत अच्छा लगा। 75 रुपीज़ में आप कोई भी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, बट स्टिल प्राइस के हिसाब से ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो ये मुझे बेहद पसंद है। लास्टली जो मेरी लिपस्टिक्स हैं, अगेन मतलब लिपस्टिक्स ही हैं, दोज आर फ्रॉम ब्लू हेवेंस। ये हैं नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स, तो मैंने इनमें से 2 शेड्स मंगवाए थे एंड मुझे बहुत अच्छा लगे दोनों के दोनों शेड्स। लाइक 250 रुपीज़ का है, कंफर्टेबल है, मैट फिनिश देता, अगेन लॉन्ग लास्टिंग है। और ये वाला जो था लिक्विड लिपस्टिक है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई है एंड ये क्योंकि बुलेट फॉर्म में है तो एज कम्पेयर टू लिक्विड लिपस्टिक आपको ज़्यादा ड्राई नहीं लगेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 शेड्स अवेलेबल हैं, एक है मेरे पास प्रिटी पर्पल और दूसरा है मेरे पास वेलवेट मरून। तो ये दोनों भी मुझे बहुत अच्छे लगे, कंफर्टेबल है लिप्स पे। अगर आप बिगनर हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग वाले लिपस्टिक्स चाहिए तो आप इनमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए थे नायका से। अफोर्डेबल हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी क्वालिटी है। आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।